अहमदाबाद की कोतवाली बिलारी पुलिस ने 24 घंटे में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। मामला मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली का है। यहां बीती रात जानकारी पुलिस को मिली थी कि दो नाबालिग जल चढ़ाकर मंदिर से लौट रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बाबा का बहाना लेकर बिठाकर ले गया, कहा कि आपके बाबा की तबीयत खराब है और वहाँ रास्ते में है। उसके बाद छोटी बेटी को रास्ते में उतार दिया और 14 वर्षीय नाबालिग को जंगल में ले जाकर अपना शिकार बनाया। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मौके पर लगी बिलारी पुलिस एवं एसएचओ टीम ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान आशीष पुत्र हरिराम को गिरफ्तार किया। उसका मामला ये बता रही है पुलिस की रेप के केस में इन्वॉल्व था ये कुछ समय पहले से, हो सकता है इसे आज पकड़ा हो तो उसके जो है चोट लगी थी राइट लेग में, दोनों साइड से, राइट लेग में ही, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ही उसके जो ब्लीडिंग हो रही थी, घाव था। उसके लिए जो है हमने डॉक्टरी मायना करके और रेफर करा है एक्सरे के लिए, और उसी से कंफर्म होगा कि वो किस प्रकार की चोट है, या मतलब गन सूट है या किसी और से कोई सरिया या किसी किस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी है, वो एक्सरे के बाद ही डिसाइड होगा। अब कहाँ ऐसे रिफ़र कर दिया मुरादाबाद के लिए एक्सरे के लिए भी, और उसके मतलब सर्जरी होना है या कल शाम को 6 बजे थाना बिलारी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जो आशय करके हैं, सन ऑफ हरिराम, इन्होंने ये चुंडारा क्षेत्र के आसपास आए यहाँ पे, और यहाँ पे दो नाबालिग लड़कियों को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके गए एवं इनके साथ में जो है गलत काम किया। एक लड़की को तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी लड़की को लेके गए थे, और घर वालों ने जब उस लड़की को बरामद किया तो उन्होंने बताया कि इसके साथ में गलत काम हुआ है। तुरंत थाना बिलारी पे जो है इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसमें विभिन्न टीमों का गठन किया गया। SOG की टीम भी लगाई गई एवं थाना बिलारी और थाना कुंदरकी की टीमें लगाई गई इसको खोजने के प्रयासों में। आज जब हमको मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो आशय हैं जो फिलहाल सैफनी का रहने वाला है, आज इधर से उंडारा क्षेत्र में आया है, पुलिस टीम ने जब इसको घेरने की कोशिश की तो इसने क्रॉस फायरिंग करी। वहाँ पे फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसके पैर में चोट लगी है। इसके पास से दो कारतूस, दो खोखे, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल जो घायल हैं उनको उपचार के लिए हमने हायर सेंटर मुरादाबाद में भेज दिया गया है एवं अन्य विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। सर, इस पर कितने मुकदमे हैं? देखिए, इसमें टोटल अभी जो हमें आपराधिक इतिहास इसका ज्ञात हुआ है उसमें टोटल 11 मुकदमे इसके ऊपर हैं, जो कि विभिन्न जो ज़िले हैं रामपुर के भी हैं एवं संभल के भी हैं, तो कई ज़िलों में इसके द्वारा आपराधिक कृत्य किए गए हैं। तो फिलहाल अभी 11 मुकदमे हैं, बाकी इसमें और छानबीन की जा रही है। ज़्यादातर मुकदमे सर किस तरह के?